हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.6 के बारे में, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर हम जानेंगे कंप्लीट क्वेश्चन को। और देखिए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल मैं स्टेप्स बता सकता हूँ, और उन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो भी चीज़ें ड्रॉ करनी है, जो भी चीज़ें आपको बनानी है, चाहे वो एंगल हो, लाइन सेगमेंट हो, जो कुछ भी करना हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें 75 डिग्री का हमें एक एंगल ड्रॉ करना है, पी ओ क्यू, राइट, या फिर ए ओ बी, कुछ भी आप बोल सकते हो। लेट्स फाइंड लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले हमने ओ ए बनाया और ओ ए पे प्लेस किया जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उसको, ओ पे, राइट। और फिर उस पे एक रे ओ ए हमने ड्रॉ करी, और उसके बाद से जो इसकी कॉन्सिडाइड लाइन है, जो प्रोटेक्टर में हम देखेंगे 0 डिग्री कहाँ पे बना हुआ, और उसकी मदद से फिर हम 75 की तरह प्रोटेक्टर का यूज करके मार्क कर देंगे एक पॉइंट बी, और बी से ओ को हम मिला देंगे, राइट। और जैसे ही हम मेजर कर देंगे तो ये ओ बी ए ओ बी बन जाएगा, और इसका जो बाइसेक्टर होगा ये सीधे इसके हाफ पे होगा, राइट। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि अब जो हमारा जो पॉइंटर है कंपास का, ओ पे रखेंगे, राइट, और ड्रॉ करेंगे आर्क यहाँ पे रख करके, कि ये जो हमारा एंगल बना हुआ है यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से फिर देखेंगे ये, और फिर यहाँ से देखेंगे ये, और इसका कर दे इस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जो कि इस कह सकते हो कि इस सीढ़ी के हाफ पे होगी, राइट। तो कम्प्लीटली ये जो है रेडियस ग्रेटर देन हाफ सीढ़ी ऑफ हाफ ले करके, और हाफ से ज़्यादा लेंगे सीढ़ी का, और फिर उसके बाद से इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट जिसका नाम होगा ई, और ई पे लेने के बाद उस पॉइंट को हम यहाँ पे ओ ई को मिला देंगे, ओ ई को मिला देंगे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन में, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें और मूव करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में, तो हमें 147 डिग्री का बनाना है और उसका बाइसेक्टर भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले तो एंगल हम बनाएंगे जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उसकी मदद से, राइट, प्रोटेक्टर जो होता है उसकी मदद से बनाएंगे, और उसकी जो एक जीरो से जो लाइन होती है, अब देखेंगे जीरो हमारा कहाँ पे जा रहा था। जैसे ही हम इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे तो ये हमारा 147 यहाँ पे होगा, क्योंकि 90 तो यहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे यहाँ पे 90 होता है, राइट, यहाँ पे जीरो लिखा होता है, तो ये 0 से 90 यहाँ पे 147 हो जाएगा, राइट। 147 पे हमने एंगल तो बना लिया, अब इसका बाइसेक्टर देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसके हाफ से ज़्यादा लेंगे, और यहाँ से एक लाइन हमारी जाएगी, और फिर यहाँ से एक लाइन हमारी जाएगी, और फिर इसको हाफ करेगी, राइट, इसको हाफ करेगी, तो वो कम्प्लीटली हमारा बनेगा। स्टेप्स में वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए 147 का बिल्कुल ये हाफ कर दिया हमने यहाँ से, और फिर यहाँ से लिया, राइट। तो सी और डी से लेकर के हम इसके सी को टेकिंग एज ए सेंटर, और फिर डी को टेकिंग एज सेंटर हाफ से ज़्यादा लेकर के इसको ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से हम इसके जो ओई है जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये बाइसेक्टर हो जाएगा इसका। अब हमें राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट, और 90 डिग्री का हाफ होता है 45। तो राइट एंगल तो हम सिंपल बना सकते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, और इसमें भी सेम हम प्रोडक्टर की मदद से, यहाँ पे जीरो होता है 90 डिग्री का बन जाएगा, और यहाँ से हाफ लेते हुए, और यहाँ से आप इसका सीधे इसके बीच से हम कर देंगे यहाँ पे 90 डिग्री का, सी से और डी को सेंटर लेते हुए जब हम इसको करेंगे, तो ये भी इसका बाइसेक्टर बन जाएगा ई ओ ई, और ओ ई जब बाइसेक्ट करेगा तो आप कह सकते हो कि इसका ओ ई को हमने प्रोड्यूस कर दिया, ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो कि रिक्वायर्ड बाइसेक्टर था बी ओ ए का, एंगल बी ओ ए का, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। हमें 153 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, जो कि डिवाइड करेगा 4 इक्वल पार्ट्स में। तो इजी है चीज़ें कि हमें एक शार्प पेंसिल का यूज़ करना है, जिसकी रे जो होगी वो बी सी होगी, राइट, और प्लेस करना है हमें सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, राइट, जिसमें कि बी होगा। नोट करना है कि जो रे है वो बी सी, जो कौन साइड लाइन है वो 0 से है, और लाइन ऑफ प्रोटेक्टर है वहाँ पे। हमें कंस्ट्रक्ट करना है एंगल 153 डिग्री का, जो कि बी से यूज करके बनाया गया यूजिंग प्रोटेक्टर, और मार्क करना है पॉइंट ए इसके ऊपर। तो ये तो हमारा बन गया एंगल 153 डिग्री का। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो सबसे पहला काम है हमारा कि पहले तो हम इसका हाफ बनाएंगे, राइट, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। तो ये एक ये पार्ट बनेगा डी से, और यहाँ पे एक जो भी पॉइंट हमने अगर ई माना है या एच माना है, तो एच मान लिया तो इसका हाफ बना दिया, फिर अभी इन दोनों के हाफ से बनाएंगे,
बनाएंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। इस तरीके से हम चारों पार्ट्स को बना लेंगे। और अभी मैं स्टेप्स में सारी वन बाई वन करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि बी को आपने हमने ई और डी को लेकर के ये 153 का हाफ कर दिया, अब हाफ तो कर दिया है, अब डी को एज ए सेंटर लेते हुए और ये जो हमारा एक्स है पॉइंट, इसको सेंटर लेते हुए हमने इस वाले पार्ट को क्लियर कर दिया, बी एक्स को क्लियर कर दिया, राइट। इसी तरीके से हमने बी वाई को भी करना है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हुआ बी वाई वाला, और ये वाला हमारा पार्ट क्लियर हुआ बी एक्स वाला, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 153 को 4 इक्वल पार्ट्स में हमने बना दिया, राइट। तो जो इसके बाइसेक्टर्स है वो ए बी एक्स है। और इस तरीके से ये देखिए 1 2 3 4 चार पार्ट्स में कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो गया, एक एक्स एक वाई और एक जेड, तीनों का अलग अलग नाम हमने दे दिया और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो गई हैं और 4 इक्वल पार्ट्स में भी वो कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में दिया गया है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना विद रूलर और कंपास की मदद से। आप यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर यूज नहीं करना, नहीं तो प्रोटेक्टर से तो आप डायरेक्टली 60 डिग्री का एंगल बना लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आप यहाँ से रेडियस ले सकते हो और इस रेडियस से यहाँ से लेकर के फिर एक आर्क लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से बनाने का 60 डिग्री का एंगल बनता है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, आप कोई सा भी आप एंगल ले लो तो ए और ई हैंस ऑब्टेन रिक्वायर्ड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम देखिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन ले आपने और यहाँ से आपने रेडियस लिया, तो ये जो होता है ना, ये यहाँ से अब फिर आप देखेंगे तो ये इतना जो होगा वो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, राइट। अब यहाँ से आप चाहें तो इसका हाफ करके 30 बना सकते हैं, फिर 30 और यहाँ पे जा करके 90 बना सकते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, 90 से फिर 30 कर लेंगे, तो चीज़ें हो जाती हैं ईजिली, राइट। अब हमें बनाना है 30 डिग्री का, तो 60 डिग्री का सबसे पहले हम बनाएंगे जो हमने बनाया था और इसी का हाफ कर देंगे। इसी का जब हम हाफ करेंगे तो ये जो बन जाएगा वो 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बी और सी को कॉमन लेते हुए हमने जो ई ओ ई है उसको 30 डिग्री बनानी है। अब हमें दिया हुआ है कि 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री के लिए तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम एक पॉइंट ओ चूज करें और यहाँ से सबसे पहला जो है, अब यहाँ से देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा, देखिए अगर हम यहाँ से करते हैं ऐसे और ये शेप लेते हैं तो यहाँ पे तो पहले 60 बनेगा, 60 से फिर आगे जाएंगे 120 बन जाएगा। 120 और 60 के बीच में अगर यहाँ से दोनों को लेकर के हम करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, राइट। तो इस तरीके से हम 90 डिग्री के एंगल्स को बना सकते हैं। पी ओ ये जो है वो 90 डिग्री का रिक्वायर्ड एंगल होगा। सो 120 का अगर बनाना है तो पहले 60 और फिर देन 60, तो 60 और 60 करके हम चीज़ों को ईजिली यहाँ पे बना सकते हैं, पहले 60 और फिर उसके बाद से 60, तो चीज़ें ईजिली ये चल जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से हम 120 का भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का भी ईजिली, ये पहले 60 और फिर उसके बाद 60, तो 120 हो जाएगा डी ओ ए। 45 का बनाना है, तो सबसे पहला काम है कि हम 90 डिग्री के एंगल्स को बनाएं। अभी हमने बनाना सीखा कि पहले 60 फिर 120, 120 के बीच में बनाएंगे 90, और 90 का अगर हम हाफ करते हैं, यहाँ से हाफ करते हैं तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, राइट। ये हमने सी को सेंटर लिया और फिर उसके बाद से हमने ओ और पी को ज्वाइन कर दिया, ये तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 डिग्री के एंगल्स को बनाने के बाद ये जो स्टेप्स लिखी हुई है यहाँ पे, इन स्टेप्स को जब आप पढ़ेंगे, चीज़ें समझेंगे, जो इंटरसेक्ट कर रही है क्यू और बी को लेकर के, राइट, तो यहाँ पे आर पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इस तरीके से आप रिक्वायर्ड एंगल को बना सकते हो, राइट। अब 45 डिग्री का तो हो गया, अब हमें बनाना है 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसमें 45 प्लस करना, राइट। तो 90 और 90 ये 180 हो गया, तो सबसे पहले तो 90 डिग्री का एंगल और इसमें हमें प्लस करना है 30 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से भी हम ले सकते हैं कि यहाँ पे बी को सेंटर मान लिया इस बार, और सेम रेडियस इसके पहले भी हमने सेम करा है कट, जो सी के पहले हमने ड्रॉ किया, तो ये 60 हो गया, ये 180 हो गया, 120 हो गया, राइट, वहाँ फिर ये 90 हो गया, 90 के बाद से फिर से हमने देखा एक और आर्क लिया और यहाँ से इस बार ड्रॉ कर दिया, राइट। तो ये जो एंगल बना है ये तो 90 बन गया, अब इसके बाद ये 30 हो गया, तो ये जो कंप्लीट जो पूरा है वो हो जाएगा 120, राइट। तो इस सॉरी 90 और ये जो हमें हमने बनाना था 135 बन गया, राइट। तो 145 को प्लस कर दिया, ये 45 90 का हाफ, राइट। तो ये 90 इधर से भी है, इधर से भी है, तो ये हाफ हो गया इसका, तो ये 145 हो गया, राइट, 135 हो गया, राइट। इस तरीके से हम चीज़ों को ईजिली समझ भी पाते हैं। अब हमें 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है और उसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि 45 का भी हाफ करना है। हमने लाइन लिया और ये सबसे पहले
90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, और 90 का जैसे हमने हाफ किया तो ये जो चीजें हो गई वो यहाँ पे बिल्कुल इसके बीच से चली गई, ओ पॉइंट होते हुए ओ एंड पी थ्रो एक राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ओ आर जो होगा उसका बिल्कुल मिडिल से होगा। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब ये पी ओ और बी एंड क्यू जो दिया हुआ है, ये इसके रेडियस से ग्रेटर है, हाफ से ज्यादा है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हाफ आर पे, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो 45 तो ये 45 तो ये हो गया। 45 का देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने बनाया 90 डिग्री का, सबसे पहले हमने ये लाइन खींची। आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले 60 बनता है, फिर 120, 120 के बीच से बनाएंगे 90 बनेगा, और 90 से यहाँ से और इस पॉइंट से लेकर के हमने हाफ किया इसका, ये 45 बन गया। अब 45 तो बन गया, अब 45 का भी हमें हाफ करना है, यानी यहाँ और ये वाले पॉइंट को लेकर के फिर से हमें बनाना पड़ेगा, तो ये हाफ बनेगा अब उसके बाद से, राइट। तो ये हमारा बन गया, देखिए एक पॉइंट हमने टी रख लिया यहाँ पे, और इस तरीके से ये जो रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर जो हमें बनाना था उसको हमने अब बना लिया बड़े आसानी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। 135 का हमने बनाया भी था, और अब इसको बाइसेक्ट करना है। 135 का मतलब 90 प्लस 45, राइट, 90 प्लस 45। तो हमने क्या किया, 90 सबसे पहले आपको पता है 90 बनाने के लिए हमने सब 60 120, और ये 90 हो गया। 90 के बाद से हमें क्या करना है, 45 बनाना है, ये 90 है और इसका हम हाफ कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा वो, राइट। तो ये बनेगा आपका एंगल कम्प्लीटली 135, राइट। तो 135 तो ये हमने बना लिया देखिए यहाँ पे इजीली, और 135 का हाफ करना है तो इसका हाफ कर लो, तो ये बिल्कुल ये इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका बाइसेक्टर भी हमने बना लिया जो कि ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 70 डिग्री का बनाना है, और इस बार हमें स्ट्रेट एजेस का यूज़ करना है कंपासेस का। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि अगर हमें 70 डिग्री का एंगल बनाना है तो अब हमें करना क्या होगा, कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमें कंस्ट्रक्शन करना है 70 डिग्री के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमने रखा है पॉइंट को, और पॉइंट को रखने के बाद ये तो हमारा सबसे पहले तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। और कीप द एंडिंग, कीप एट द एंड पॉइंट ऑन द ओ, अब ओ के बाद में हमने देखा तो एक फिगर का हमने कट कट किया, राइट। और जो कंपास इंटेक्ट कर रहा है आर को कट करने के बाद, तो अब ओ डैश का एक हमने बना लिया, तो ये हमारा हुआ और फिर ये हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कट हुआ, और यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो हमारा हुआ वो सेम इसी साइज का हो रहा, तो ये आर पे जो बना हुआ है वो हमारा बन गया है कितना, आप देखोगे पिक्चर वन फर्स्ट में, तो ये पी डैश ओ डैश आर जो है वो ए ओ बी बन के तैयार हो गया, राइट। देखिए अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि हम कैसे इसको करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ करी, अब जो पॉइंट है एंड पॉइंट कंपास का ओ ऑफ द पॉइंट, ये ए है यहाँ पे हमने रखा, और यहाँ पे एक फिगर को हमने कट किया, राइट, सच एज इंटरसेक्शन ओ ए, ओ ए का हमने इंटरसेक्शन किया यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ओ बी से लेते हुए बिल्कुल एक हमने आर के लिए कंपास इंटेक्ट कट एन आर्क ऑन द ओ डैश पी, तो इस पे नाम करके इससे इसके आगे तक भी जा रहा है, राइट। तो आप देखोगे कि क्यू होगी यहाँ पे पॉइंट, राइट, क्यू ओ डैश पे हमने लिया ओ क्यू, राइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटलेक्ट हो रहा है, तो ये जो होगा वो हमारा 70 डिग्री का होगा, राइट। तो ये 70 डिग्री का बन गया। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल भी हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सप्लीमेंट्री का यूज़ हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए तो हमने प्रोटेक्टर का यूज़ कर लिया है, सबसे पहली बार प्रोटेक्टर का यूज़ कर लिया और इसका सप्लीमेंट्री बना दिया इस तरीके से इस तरफ में, राइट। सप्लीमेंट्री में 180 से माइनस कर दो, चीज़ें ऑलरेडी आपको समझ में आ जाती है अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछा गया है तो, राइट। और सप्लीमेंट्री एंगल को बनाना आसान है, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनेगा, तो स्टेप्स को केवल देखते जाओ और 140 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल उसका बन जाएगा, ईजिली बनेगा, ईजिली, राइट। अब 180 कैसे आपको समझ आ रहा है कि 180 कैसे बनाना है, देखिए चीज़ें बहुत आसान है, आप समझ में कैसे आएंगी आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहला हमारा काम ये है इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि हमें एक 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप बना लीजिए 40 डिग्री का एंगल, और सप्लीमेंट्री पूछा है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा 140, राइट। अब 140 आपको करना है, तो 140 के लिए ये जो होगा पार्ट, ये 140 होगा, राइट, क्योंकि 140 और 40 मिलकर के कितना होंगे, ये हो जाएंगे आपके 180। तो वही सारी चीज़ें हमने प्रोडक्टर की मदद से, और इस बार हमने ये जो पार्ट है यहाँ पे हमने फिगर वन में आप देख पा रहे हो कंस्ट्रक्ट किया एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री का, तो सप्लीमेंट्री भी बना सकते हो आप इजीली।
आसान है ये को BOD आप कह सकते हो कि इसका सप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इजीली चीज़ों को और ये काफ़ी आसान भी है। तो आप देखोगे R-P 140 डिग्री का होगा और आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है जो कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है आप स्टेप्स को देख करके चीज़ों को समझ करके इजीली आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है किसी भी तरीके का सुझाव सजेशन देना चाहते हैं इस नंबर के साथ जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं कि सुझाव सजेशन भी दे सकते हैं। और लाइव डाउट सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इस नंबर के साथ जुड़ करके हमारे लाइव डाउट सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।